बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अम्मी की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज हम बहुत ही मज़े का सोन हलवा तैयार करेंगे। तो बनाना बिल्कुल आसान है, इसकी रेसिपी हमने पहले भी दी हुई है। तो आज हम 1 लीटर दूध से इसे तैयार करेंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूबी HD। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में। तो माशाल्लाह से ये देखें, अभी बहुत गर्म है तो इसलिए चेक करके दिखाते हैं आपको। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और ये सोन हलवा तैयार करते हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं मुल्तानी सोन हलवा, ठीक है। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पे दी हुई है। तो बहुत ही मज़े का तैयार होता है, तो बनाना बिल्कुल आसान है। तो ये जो हम तैयार करेंगे, थोड़ा सा हम कम दूध से तैयार करेंगे, 1 लीटर दूध से, ठीक है। ये हमने जो गंदम की अंगूरी तैयार होती है ये हमने वो ली है, ठीक है। साथ हमने आधा कप, जो हाफ कप है मैंने लिया है मैदा। चलिए अब इनको मिक्स करते हैं, कढ़ाई लेते हैं, इसे ऐड कर देंगे। साथ हम इसे ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे। तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो 1 कप मैंने पानी लिया है, उसके अंदर इसे करेंगे तैयार। तो हाँ जी, ये हो चुका है। अब हमारे पास जो दूध है उसे भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। पानी के अंदर हमने इसे मिक्स कर दिया। तो हाँ जी, ये हमारे पास है 1 लीटर दूध, इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से साथ साथ। ये हमारा अच्छे वाला दूध है, गाय का दूध है, ठीक है। अगर आप डब्बे वाला भी लेते हैं तो वो भी ठीक रहेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा वो गहरा, थोड़ा सा आप उसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा गहरा दूध हो तो, तब भी ये अच्छे तरीके से तैयार नहीं होता। अब हम इसे मिक्स कर लिया, हमने चूल्हे पर चढ़ाएंगे इसे। तो ऐसा है कि अब हमने इसे साथ साथ हिलाते रहना है, ये नीचे से लगे ना, क्योंकि इसके अंदर है मैदा और अंगूरी, ठीक है। तो अब हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है। एक बॉयल आने तक मैं इसका वेट करूँगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है, अगर आपके पास सिरका है तो आप सिरका ऐड कर लें। अगर आपके पास टाटरी है तो आप हड्डी और टाटरी दोनों चीज़ें मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं करूँगी लेमन का जूस, ठीक है। तो इसे हम इस तरह हलाते रहेंगे। पहले जो मैंने रेसिपी सोन हलवे की तैयार की है ना, उसके अंदर मैंने टाटरी और फटकरी का यूज़ किया था। अब दूध को हम अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा, तब तक हमें इसे अच्छे तरीके से हलाते रहना है, इसी तरह चम्मच को चलाते रहना है। तो हाँ जी, दूध को एक बॉयल आ चुका है। अब हमारे पास जो लेमन है उसे ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, आस्ता आस्ता हम हलाएंगे इसे, ज़्यादा नहीं हमने चम्मच चलाना, मिक्स करेंगे। तो इसके हम नीचे से हमने चूल्हा जो कम कर दिया। तो हाँ जी, ये देखें इसके जो बबल तैयार शुरू हो चुके हैं, जो इसकी फुटियाँ थी वो बननी शुरू हो गई है, ठीक है। तो नीचे से हमने चूल्हा जो चला दिया। तो हाँ जी, अब थोड़ा सा इसके अंदर जो हम कलर ऐड कर देंगे, इसके बाद हमने इसके साथ ही चीनी है वो ऐड कर देंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं।
तो अब हमारे पास है ग्लूकोज जो हमने घर में तैयार किया हुआ है, वो हम तैयार वो ऐड करेंगे। तो हाँ जी, ग्लूकोज ऐड करने से पहले हाथों को आप पहले गीला कर लें। तो हाँ जी, साथ ही हम देसी घी ऐड कर देंगे। इसी पानी के अंदर, इसी दूध के अंदर हमने इसे पकाना है और इसका कलर लेके आना है। ये देखें, जो हमने घी ऐड किया था इसके अंदर एक कप, तो वो देखें अलग होना शुरू हो गया है। इसकी हम बनाई खा रहे हैं, इसको हम कलर देंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये देखें, इस तरह हमने इसे तैयार करना है, बिल्कुल जैसे हम मार्केट से मंगवाते हैं वैसा। ये देखिए, इसका दाना दाना आपको नज़र आ रहा होगा। तो थोड़ी देर तक हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब हम इसके अंदर जो बादाम है वो ऐड कर देंगे और साथ साथ हमने हलाते रहना है इसे। तो हाँ जी, ये देखिए, इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया। तो ये तैयार हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। तो अब नीचे से हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें, तो चूल्हे को ऑफ करते हैं। तो हाँ जी, अब हम ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह से देखें, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।